राजस्थान महिला कल्याण मंडल, अद्वैत केंद्र और दिल्ली के विश्व युवा केंद्र की ओर से अजमेर में दिव्यांगों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में विभिन्न कंपनियों ने दिव्यांगों से उनके दस्तावेज लिए। दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया था। में सभी लोगों की भागीदारी हो और हमारे जो युवा भाई बहन जो दिव्यांग जन हैं उनको यदि हम आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे तब समाज का सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि ये भी हमारे समाज के एक मुख्य पिलर हैं। यदि इन पिलर्स पर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारी बिल्डिंग सही नहीं हो पाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादातर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको जो है वो जब रोजगार की बात आती है तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ जाएँ, या बहुत बार जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके मन में ये भाव होता है कि भाई जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है वो क्या अच्छा एम्प्लॉय हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उस मानसिकता को ख़त्म करने का ये उद्देश्य हमने लिया था। और जो स्किल सेट्स है इसमें, जैसे हाउसकीपिंग है, गार्डनिंग है, फ्रंट ऑफिस है और साथ ही साथ डेटा एंट्री है, और इसके अलावा भी जब हमारे पास कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज जिसका स्किल सेट अच्छा है वो हमारे पास आता है तो हम उसकी लिस्ट जॉट डाउन करते हैं और उस तरीके से हम लोग एम्प्लॉयर के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। आज मुझे बताया गया है कि 50 से ज़्यादा संस्थाएँ यहाँ और लगभग 200 से ज़्यादा दिव्यांगजन आए हुए हैं अपने रोजगार के लिए, और पूर्व में भी इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। ये बड़ा दुखद विषय होता है कि दिव्यांगजनों के लिए रोजगार की बहुत समस्या रहती है, लेकिन इस संस्था के माध्यम से पहले भी लगभग 50 लोगों को रोजगार दिया गया था और इस बार चूँकि 200 लोग आए हैं तो मैक्सिमम लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है। हम जानते हैं क्योंकि PWDs बहुत लोग सोच रहे कि PWDs काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास उम्मीद कि ये PWDs काम करेंगे, इसलिए हम सोचता बहुत खुशी है क्योंकि 40 एम्प्लॉयर्स आएंगे हमारा करियर फेयर। ये ऐसा बहुत अच्छी है क्योंकि जब PWDs काम के पास, इसलिए डिग्निफाइड लाइफ के पास, इसलिए ये जॉब फ्रीडम है। मैं सोचता बहुत खुशी है।